हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ब्लॉग स्टार्ट करने से गुड मॉर्निंग, और आप लोग सब स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए, अपना प्यार और परिवार में प्यार करते रहिए, सबके साथ मिल के रहिए और खुश रहिए। चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने पहले सबसे पहले आ गई हूँ किचन में। आते ही मैंने गर्म पानी पी ली, गर्म पानी पीते ही उसके बाद मैंने क्या किया है तैयारी, और आपकी मेरी गर्मा गर्म चाय। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, कड़क चाय, मस्त चाय। और यहाँ पे तैयारी हो रही है मेरा लंच का। मैं आज बना रही हूँ पालक मटर विद द बेसन, और ये बढ़िया सब्जी बनती है, बहुत ही मज़ेदार सब्जी होती है। और किशु भी उठ गया है सुबह सुबह, मैं आपको दिखा। ये देखिए किशु भी हमारे साथ साथ उठ गया, इसको जितना भी उड़ा के रखो सारा फेंक देता है। अब चलते हैं फटाफट, ना खाना बना लेती हूँ। लड्डू को यहाँ पे मालिश वालिश करके मैंने लेटा रखा है, अब ये रो रहा है, अब इसको चाहिए खाना। अगर खाना खा के सोता है तो मैं भी सोच रही हूँ मैं भी जाके नहा लूँ। कल बसंत पंचमी है, कल भी नहाना है, आज भी नहाना है, आज मैं नहा लेती हूँ पहले, कल क्यों, कल थर्सडे है तो थर्सडे को बाल नहीं धोती मैं, तो जो भी साबुन आम का काम है तो वो आज ही कर लेती हूँ अगर ये सोता है तो। क्यों लड्डू? लड्डू यहाँ पे सोया हुआ है, इसको हो गया आधा घंटा, नहीं आधे घंटे से ज़्यादा हो गया सो रखा है। अब मैं जा रही हूँ, नहा तो लिया मैंने, घर की काम भी हो गई, अभी पोछा लगाया तो गीला गीला है अभी तक। अब मैं रोटी बना लेती हूँ। नहा लिया, नहाने के बाद मेन चीज़ होता है खाना। इसके पापा बोलते हैं कि तुम हमेशा उल्टा काम करती हो, सुबह नहा लिया कर जब भी मैं रहती हूँ। हाँ ये बात है, अगर वो रहते हैं तो बाबू को देख लेते हैं तो मैं अच्छे से घिस घास के नहाने में टाइम लग जाता है, अच्छे से नहा लेती हूँ। अब जब अकेले रहती हूँ तो मन में रखता है कि अभी उठ जाएगा बच्चा, फिर ढूंढेगा मेरे को, अभी उठ जाएगा बच्चा ढूंढेगा, रोने लगेगा बड़े तेज तेज, तो नहा नहीं पाती हूँ। जितना हो सके फटाफट साबुन लगा के फटाफट नहा लेती हूँ मैं, उतना वो कोई नहीं है। और कल वीरवार भी है, और कल बसंत पंचमी है, और कुछ कुछ काम रह गए हैं। मैंने मिक्स वेजिटेबल का जो अचार बनाना है मुझे, उसका भी सब तैयारी करके रखा है, सिर्फ मिर्च नहीं है। सोच मैं शाम को लेने जाऊँ मिर्च भी, उसके बाद उसको काट कूट के नींबू नमक लगा के रख दूँ ताकि वो कल सेट हो जाए, फिर कल मैं अचार बना सकूँ। खाना लगा लिया है, और बाल भी मैंने थोड़ा खुला रख लिया ताकि सूख जाए। मम्मी जी बोलती हैं कि नहा के धूप में बैठेगा, धूप तो है नहीं आज, मौसम मतलब ठंडा नहीं है। आप देख रहे हो गंजी, मैंने आज गोलू का गंजी पहन रखा है लड्डू पापा के, क्योंकि मुझे ना थोड़ा लूज लूज कपड़े अच्छे लगते हैं, अच्छा लगता है, देखिए कितने ढीले ढीले हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह से लूज लूज कपड़े घर पर पहनने के लिए। तो मम्मी जी बोलते हैं कि धूप में बैठा करो, धूप तो नहीं है तो मैं क्या करूँगी, हीटर के सामने बैठ जाऊंगी, और इतना ठंडी भी नहीं है, आज मैं बिना स्वेटर के हूँ, और मौसम डार्क है, ठंडा भी नहीं है पर मौसम डार्क कर रखा है, धुंधला धुंधला सा कर रखा है, और धूप भी नहीं है, मतलब एक अच्छा मौसम है घूमने फिरने का, एकदम अच्छा बढ़िया मौसम है। और मैंने खाना लगा लिया है, ये देखिए सुबह मैंने बनाई थी पालक मटर और बेसन के साथ, बहुत ही यम्मी बनता है ये सब्जी, ये नया है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मस्त बनती है। आपको थोड़ा सा गीली वाली रखनी है तो थोड़ा पालक को तुरंत धो के भी डाल सकते हैं, मैंने रात में धो के रख दिया था तो ये सूखी सूखी बनी है, सूखी बनानी है तो रात को धो के रख लीजिए, अगर थोड़ा सा गीली गीली बनाया तो मैंने काट लीजिए, काट के तुरंत धो के फिर डालिए, थोड़ा सा गीली गीली हो जाती है, बहुत टेस्टी बनती है बेसन वाली। और ये मैंने मिक्स वेज का जो अचार बनाना है, मूली गाजर एंड थोड़ा ज़्यादा नहीं है, हल्का सा गोभी काट के रखा है, अब इसको भी काट के रखना है मुझे लंबे लंबे में, और रात को मिर्च लाऊंगी धो के अच्छे से पोंछ के, उसको भी काट लूँगी और रात को इसको सेट करके रख दूँगी ताकि मैं कल अचार बना सकूँ, फिर फ्राइडे नहीं बना सकती मैं फिर अचार। ये देखिए आज मैं और लड्डू फिर से बाहर घूमने निकले हैं, इतना अच्छा मौसम है तो हम सोचे माँ बेटे निकल गए थोड़ा सा घूमने, अब घूम के आते हैं थोड़ा सा। यहाँ सामने ना बहुत बड़ा सा लोकल मार्केट लगता है, बुध बाजार, मतलब यहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते चीज़ें मिलते हैं, पर मुझे कुछ लेना नहीं, मुझे सिर्फ आपको पता ही अचार बनाना, तो मुझे वो मिर्च लेने जाना है,
तो मिर्च लेके आ जाऊंगी तुरंत ही। मैं आपको मार्केट की झलक दिखा दूंगी थोड़ा सा। इतने भागते भागते मार्केट गई, कुछ नहीं। एक्चुअली कल रिपब्लिक डे है ना, तो इसकी वजह से आज लोकल मार्केट नहीं बैठी। जैसे आपकी भी उधर आसपास बैठता होगा, छोटा छोटा बुद्ध बाजार, वहाँ पे बहुत सारे सस्ते सस्ते चीज़ें मिल जाते हैं। ये सब मैं सोची थी कि आपको दिखा दूँगी, हमारे घर के आसपास की बुद्ध बाजार बहुत बड़ी लगती है, बहुत बड़ी। और आपको वहाँ पे बहुत कुछ मिलेंगे, अच्छे चीज़ मिल जाएंगे कम दामों में, और अच्छा चीज़ कई बार अच्छे अच्छे चीज़ क्वालिटी की मिल जाती है। इसको देखो, आज नहीं सोया, आज सारा कुछ देखता रहा मार्केट में जाके। और मेरा था कि जल्दी जल्दी करके मैं फटाफट करूँ, ताकि इसको ज़्यादा देर रखने से इसको पेन होती होगी ना, तो जल्दी जल्दी करके मैं आ गई। बस थोड़ा बहुत एक दो सब्जी हाथ में लिया, देख लिया, मिर्ची भी, मिर्ची ले ले, मेन तो मेरा मिर्ची लेने गई थी मैं, तो देखा मेरे को, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरे को जो पसंद सब्जी है करेला। सब्जी सब कुछ खा लेती हूँ पर मुझे करेला बहुत पसंद है। करेला मिल गया, वो भी 25 का पाव ले आई मैं, एक पाव, और बड़े बड़े वो छीम सीम बोलते क्या बोलते वो भी ले आई एक पाव। सब्जी भी नहीं थी, बस आगे भागा भागा बस। पर मैं आपको दिखा नहीं पाई हमारे यहाँ का बुद्ध बाजार ना, सॉरी, फिर कभी दिखाती हूँ मैं आपको, अच्छे से दिखाऊंगी, बहुत बड़ा मार्केट लगता है। लड्डू आया तो सो गया था, और अभी मैं अचार वचार की तैयारी कर रही थी, जो आपको पता ही है मैंने सब्जी वब्जी सब तैयार करके रखा था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने काट ली है गाजर, मूली और फूलगोभी, क्योंकि इसको अब ना भिगा के रखना है। और ये मसाला वसाला पीस के तैयार रखती हूँ, कल सुबह ही बना लूँगी। सुबह तो नहीं, शाम को सुखाना पड़ेगा। यहाँ पे मेथी पीस रही हूँ, फिर सरसों भून की पीसूँगी। अभी पीस के ना बड़ा अच्छा लगता है अचार ना, मिक्सी में तो नहीं पिसा सकते, पीस लेते हैं, पर मैं नहीं पीसती हूँ, ज़्यादातर हाथ से पीस के ही बनाती हूँ। ये देखिए लड्डू फिर से दादी के बेड में, बेड में आते ही पोटी कर दिया है, अब इसको साफ़ करने जा रही हूँ। ये लेके आई थी मैं थोड़ा सा सब्जी, इसके नीचे क्या है, करेला, और ये सीम, और ये लंबी वाली मिर्ची लेके आई थी, आधा मैंने डाल दिया अचार के लिए, और एक केला लेके आई हूँ, इसका बनाना केक बनाऊंगी। अचार का ऑलमोस्ट मैंने डन कर दिया है। देखिए मैंने एक बड़ा सा कढ़ाई में रखा है अचार का, वो सब मतलब मिक्स भेजी सारा, इसमें गाजर, मूली, गोभी और मिर्च है, इसमें नमक वमक सब लगा लिया है मैंने। अब इसको लीड देकर ढक देंगे आज पूरा रात भर, कल थोड़ा सुखाएंगे 4-5 घंटा, फिर शाम को बनेगा। और ये मसाला भी डन, मसाला डन, ये डन बस, क्योंकि मसाला मैं ना फिर बाबू को ले लेके पीस नहीं सकती, बाबू जब सोया तभी पीस लिया मैंने। मेरा काम तो ऐसे ही है, जब भी सोता है बच्चा फटाफट काम कर लो। अब इसकी पोटी साफ़ कर दूंगी, पानी गर्म हो रहा है, इसको पानी गर्म करके पोटी साफ़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि बच्चा सोया है चलो काम हो गया, पर ये ना दिमाग में अगर सोच के रखो ना कि मुझे क्या क्या करना है, तो फट से पकड़ो, फटाफट 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 काम खत्म हो जाए। मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं जब मैं बाबू को लेकर बैठती हूँ ना, अगर फीड दिला रही हूँ कुछ कर रही हूँ, तो मैं दिमाग में चलता रहता है काम, मुझे क्या नेक्स्ट काम करना है, तो ये सोच के बैठी रहती हूँ। तो मैं सोच के ना, जैसे बच्चा सोया है, ऐसा नहीं कि फट से जाके काम करूँ, वो काम नहीं हो पाएगा। जैसे सोच के प्लानिंग करके रखो ना, मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो काम फटाफट हो जाता है। बस अब इसको जा रही हूँ मैं, पोतू पोतू किया है, छाप छाप कर दूंगी। है क्या देख रहे हो तुम लड्डू, क्या देख रहे हो तुम? यहाँ पे मजे से खेलता है ये, इंजॉय करता है, देखो इसका। देखिए लड्डू सो गया है, टाइम हो चुका है, 1:30 बज गए, और इनके पापा भी तैयारी कर रहे हैं सोने के लिए। हम लोग एक मूवी देख रहे थे, फ्रेडी, आज मैंने ठीक ठाक है, ऐसे ही देख रहे थे, और हम लोग ने खाना भी खा लिया, खाना अच्छा था, सुबह की सब्जी थी, और मैंने टमाटर की चटनी बनाई, और गर्मा गर्म पूड़ियाँ, आज पूड़ी खाने का मन था तो पूड़ी खा लिया, ठंडे में तो चल जाता एक दो बार। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं, आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं, तो फिर कल मिलेंगे कुछ नए ब्लॉग के, कुछ न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बोलो बाय बाय, गुड नाइट।